प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छी ट्रिक समझ लो, या फिर एक अच्छा मेडिटेशन समझ लो, या फिर कुछ भी जो आप अपने अकॉर्डिंग समझना चाहो वो समझ सकते हो। लेकिन मैं जो लेकर आई हूँ वो ये कि आप जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से या डिवाइन मैस्कुलिन से जो बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जिनके साथ नो सेपरेशन में हैं, यानी कि बिल्कुल नो कांटेक्ट, कुछ भी उनके साथ बातें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल सेपरेशन में हैं आप, तो आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझो आप उसे, लेकिन मैं उसे एक तरह से मेडिटेशन बोलती हूँ। और उस मेडिटेशन को कैसे करना है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में, एवरीथिंग आप कभी भी बैठते हैं, तो उस टाइम अपनी एनर्जी को फील करें, यानी कि पहले तो अपने आप को फील करना है। उसके बाद आपको ये रियलाइज़ करना है या ये अपने अंदर महसूस करना है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो बाहर इन्वायरमेंट में निकल रही है, यानी कि आपकी फ्रिक्वेंसी चारों अराउंड, यानी कि चारों ओर आपके इस 3D लाइफ में फैल रही है, यानी कि हर जगह हर क्षेत्र पर जा रही है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। इससे दो चीज़ें होंगी गाइस, एक तो वो जो अभी तक अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं मिले हैं या फेमिनाइन से नहीं मिले हैं, यानी कि उनको कन्फर्म भी नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो अगर वो नहीं मिले हैं तो वो मिल जाएंगे, यानी कि जो उनकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी जब वातावरण में फैलेगी तो वो फ्रिक्वेंसी उसकी और आपकी दोनों की फ्रिक्वेंसी जब मैच होगी तो आप दोनों आमने सामने आएंगे, आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और एक दूसरे को पहचान पाओगे। दूसरा, जो सेपरेशन में है, जिनकी बात नहीं हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बात नहीं हो रही है और वो बहुत दूर हैं एक दूसरे से, अगर वो ये कंटिन्यू करते हैं तो अपनी इस एनर्जी को इतना डेवलप करो, इतना विकसित करो इस एनर्जी को अपनी बाहर 3D लाइफ में, इतना इसे फैला दो कि आपकी फ्रिक्वेंसी आपके पार्टनर के साथ जाकर के फ्रिक्वेंसी से मैच करे और वो वापस खींची चली आए, यानी कि उनकी एनर्जी आपके तरफ खींची चली आए, वापस एक तरह से आकर्षित होती अट्रैक्ट होती आए। तो ये सब आपको करना है जब भी आप मेडिटेशन करो, तो ये आप हमेशा करो कि आपकी एनर्जी बाहर इन्वायरमेंट में आप उसे इन्वेस्ट करो, मतलब कि उसे फैलाओ। आप ये इमेजन करो कि आपकी एनर्जी चारों तरफ जा रही है, आपके ट्विन के पास भी जा रही है, जहाँ भी है वो, जहाँ दूर है, पास है, कहीं भी है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत कमेंट आते हैं और बहुत लोगों से मेरी बातें हुई हैं, तो वो ये बोलते हैं कि मैम हम DM का बात नहीं करें या उनका मैसेज रीड नहीं करें, क्योंकि अगर हमने उनसे बात कर ली तो हमारी एनर्जी उनको चली जाएगी और हम उनको, मतलब वो खुराक मिलेगी कि फिर से वो अपनी लाइफ में अच्छे से रहें। तो गाइस, ये बहम, ये जो आपसे किसी ने भी कहा है, इस बहम से दूर हो जाएं, क्योंकि एक तरह से ये इल्यूज़न है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आप कंफर्म समझ लो कि जब आप दोनों काउंटर सोल हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप बात करो या ना करो, एक दूसरे से मिलो या ना मिलो, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा एक दूसरे से मैच करेगी, हमेशा आप दोनों के इर्द गिर्द वो एनर्जी रहेगी। जब भी आप अपने DM को मिस करोगी या और DF को वो मिस करेंगे, यानी कि DM, तो वो जब भी हमेशा मिस करेंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी, अगर उनकी बहुत डीप लेवल पर वो आपको मिस कर रहे हैं, तो आपकी जो उनकी जो एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है वो पूरे टोटल इन्वायरमेंट में फैलेगी और वो आप तक आकर के रिएक्ट करेगी, आप तक पहुंचेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर उनसे बात नहीं करें या उनका फ़ोन का कॉल उठाने से या उनसे संपर्क में आने से आपकी एनर्जी उनको चली जाएगी या नहीं जाएगी? वो तो ऑटोमेटिकली जाएगी गाइज, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के काउंटर सोल पार्ट हो। वो तुम अभी तुम कैसे भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, भले ही आप अभी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हो आप एक दोनों के काउंटर सोल। अगर आप अगर थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही हैं, अगर वो अगर पॉजिटिव हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली एनर्जी कुछ टाइम बाद आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, भले ही आप कुछ देर के लिए लो वाइब्रेशन में चले जाओ, लेकिन फिर कुछ देर के बाद आप बिल्कुल पॉजिटिव फील करते हो। बिकॉज इसलिए क्योंकि वो उन
उनकी एनर्जी आपको संभालती है, जब वो लो वाइब्रेशन में जाते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको संभालती है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। तो ये हमेशा याद रखो, और ये फालतू की बातें मत सोचा करो माइंड में कि उनका कॉल उठाऊं या नहीं उठाऊं, मैं बात करूं या नहीं करूं, मैम उनका कॉल आया, मैं अगर मैं बात करूंगी तो मेरी एनर्जी उनको चली जाएगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की इल्यूज़न है, इन सबसे दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ टोटल सिंपल बात रखो, आप उनसे लव करते हो, इतना याद रखो कि आप उनसे लव करते हो, और आप लव वाली एनर्जी हमेशा उनको सेंड करो। सोचो, अभी एक बात सोचो, मानो कि भगवान ना करे ऐसा हो, मैं ऐसा सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपका डीएम या डीएफ किसी मुसीबत में है और वो तुमको मुसीबत के टाइम में आपको कॉल या मैसेज कर रहा है, ठीक है, आपसे हेल्प के लिए, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम में है, तो क्या आप यही करोगे कि नहीं मुझे उसको ये एनर्जी नहीं देनी, मुझे वो फ़ोन रिसीव नहीं करना? तो फिर क्या फ़र्ज हुआ आपका डिवाइन फेमिनाइन होने का, डिवाइन मैस्कुलिन होने का, जब आप एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर सकते? क्योंकि आप दोनों तो एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हो, जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट रह नहीं सकते। अगर एक एक अनबैलेंस है तो दूसरा होगा, दूसरा है तो तीसरा हो, मतलब पहले वाला होगा। तो तुम कैसे ये कर सकते हो? सोचो, तुमको तो जब एक दूसरे की ढाल बनकर चलना है, एक दूसरे की हेल्प करके बनते हुए चलना है। मानो अगर आपका कोई डीएम या डीएफ कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम में है और आपके मन में यही थॉट है कि मुझे वो कॉल मैसेज नहीं करना, उठाना, बिकॉज वो उनकी मेरी एनर्जी उनको रिसीव हो जाएगी और फिर वो प्रॉब्लम होगी, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो आप? सोचो, मानो कि वो अगर प्रॉब्लम है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है उनको, और तुम कॉल अटेंड नहीं कर पाए, और बाद में जब तुम उससे मिले तो वो क्या कहेगा पर्सन कि तुम कैसे मेरा अपने आप को लवर बोलती हो, या अगर वो नहीं जानते तो आप मुझे अपना डीएम बोलती हो, या ट्विन फ्लेम में, यानी कि डीएफ हो मेरी, तो तुम मेरी परेशानी में ही मेरा साथ नहीं दे पाई, तो तुम मेरा आगे क्या साथ दोगे? थोड़ा सा सोच समझ के चलो गाइज। और ये बहुत ज़्यादा बहकावी चीज़ें चल रही हैं, बहुत इल्यूज़न फैला हुआ है, उन सबसे दूर रहो। सादा सिंपल बातें याद रखो, किसी भी मतलब मिस्टीरियस चीज़ों में नहीं फंसना। सिर्फ़ और सिर्फ सादा सिंपल एक इतना सा याद रखो कि तुम प्यार करते हो, और उस प्यार के लिए हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो। कोई तुमको कुछ बोले या ना बोले, हमेशा उसे अप्रिशिएट करो। आपका डीएम आपको भाव दे या ना दे, लेकिन आप उस प्यार को अपने दिल में हमेशा संजोए रखो, हमेशा उसे एक छोटे से पौधे की तरह ग्रो करते रहो। जब वो प्यार का एक नन्ना सा पौधा जब खिलने लगेगा, वो बढ़ेगा, विशाल वृक्ष बनेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। आप उसको कभी भी समझ, मतलब वो चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें। अपना प्यार अपने अंदर पालो, उसमें ये एक्सेप्ट मत करो कि वो उसको केयर करे या ना करे, वो करे, केयर करेगा वो तब करेगा, लेकिन उससे पहले जो प्यार तुमने तुम्हारे हृदय में पाल रखा है, उस प्यार की देख रेख तुमको करनी है, उसे संभाल के रखना है, संजो के रखना है, उसको ऐसे एक दूसरे से डिटैच नहीं करना। भले ही अभी आप 3D लाइफ में डिटैच हो, लेकिन पर्सनल अपने अंदर की सोल में उसे बिल्कुल मर्ज करके रखना है, बिल्कुल संजो के रखना है, एक पल के लिए कोई दूर ही नहीं करना। तो गाइज, ये जो मैंने मेडिटेशन आपको बताया है, इस पर फोकस कीजिए, आज से ही आप स्टार्ट कीजिए इस मेडिटेशन को, बहुत जल्दी इस पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा जो मैंने मेडिटेशन के लिए कहा है गाइज, सभी लोगों ने टाइम टाइम अपना अलग अलग बताया है, और अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाई हूँ कि किस टाइम पर वो सब ठीक रहेगा, लेकिन मंडे तक मैं ये सब कंफर्म कर लूँगी। और मैंने उस सब के लिए एक बहुत सुंदर म्यूजिक स्टार्ट रेडी किया है, और वो मैं मंडे तक कर दूँगी कंप्लीट। ये बहुत प्यारा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उसमें जिसे सुनकर हम सब एकदम खो जाएंगे। तो या जो भी है, मैं मंडे तक आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है। और वैसे मुझे विज़न में टाइम मिल गया था, मॉर्निंग में जब मेरी आंखें खुली और विज़न में मैं उस टाइम को देख रही थी, 5030, यानी कि ये मुझे नंबर दिखे, लेकिन जब तुरंत उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर 503 टाइमिंग था, वो मुझे कंफर्म मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि सब लोगों ने मुझे टाइमिंग दिया, मैंने उनको देखा है, तो हो सकता है वो मेरे माइंड में रह गया हो इस वजह से, लेकिन अभी भी मैं उस चीज़ पर कंफर्म नहीं हूँ। वो जब तक मुझे यूनिवर्स ठीक से नहीं बताएंगे, तब तक मैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करूँगी। तो या गाइस, इसके लिए देखते हैं कौन सा टाइम हम सबके लिए ठीक रहेगा, और
या मैं चलती हूँ, इस पर वर्क कीजिएगा, ये बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बस आज से स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो आपको 3-4 दिनों में ही रिजल्ट मिल जाएगा। जो आपको बहुत टाइम से कॉल मैसेज नहीं आए उनके लिए कॉल मैसेज आ सकते हैं। बस तुम इसे अच्छे मन से करो, अच्छे फोकस के साथ करना है आपको ये सब, ठीक है। इसे आज से ही करो, कल से करो, जब आपकी इच्छा हो तब से स्टार्ट करो। तो या ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।